नमस्कार। तो आज आप हम रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट न्यूज़ भी चेक करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। रिसेंटली स्टॉक जो है कितने खास मोमेंटम के साथ नज़र नहीं आ रहा है। पिछले कई दिनों से आप लोग देखोगे तो स्टॉक 3000 के करीबन जाके गिरावट नज़र आई थी, उसके बाद मोमेंटम इतनी खास नज़र नहीं आए। रिसेंटली एक महीने में 2% तक गिरावट हो चुकी है, साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले। 2800 लेवल ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम अगर अच्छा आएंगे तो ऑटोमेटिक मोमेंटम चेंज होती हुई दिखाई दे सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। बाकी की न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं तो जो न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। द रिटेल आर्म ऑफ रिलायंस रिटेल एंड द यूकेज ऑनलाइन फैशन रिटेलर ASOS हैव एंटर इंटू अ लॉन्ग टर्म लाइसेंसिंग एग्रीमेंट वेर इन रिलायंस रिटेल वुल बी द एक्सक्लूसिव रिटेल पार्टनर फॉर ASOS अक्रॉस ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल्स इन इंडिया। तो ये थी लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए।